पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम मिस कॉल बैंकिंग का फायदा कैसे उठा सकते हैं। आज हम बात करेंगे SBI क्विक ऐप के बारे में। इस ऐप में बैलेंस इंक्वायरी और अकाउंट स्टेटमेंट के साथ और भी कुछ एडिशनल बेनिफिट दिए हुए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है और आपने रजिस्टर्ड करवा लिया है मिस कॉल बैंकिंग के लिए, तो इस ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम चलते हैं और देख लेते हैं कि इसमें हमको क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं। आज हम बात करेंगे SBI क्विक ऐप के बारे में। तो पहले इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। देखिए, प्ले स्टोर में जब हम सर्च करेंगे तो ये ऐसे आ जाता है, स्क्रीन आ जाता है। ये केवल 5.6 MB का ऐप है, तो इसको हम प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड कर लेंगे। ये इस तरह का कुछ परमिशन मांगेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और आगे इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसका होम स्क्रीन जो है कुछ इस तरह से खुलता है। यहाँ पे देखिए टोटल 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें से जो पहले 2 ऑप्शन जो हैं, अकाउंट सर्विसेस और ATM कॉम डेबिट कार्ड, ये 2 ऑप्शन, ये दोनों हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी हमको मिलते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। पहले अकाउंट सर्विसेज में जब हम जाएंगे, अकाउंट सर्विसेज को जब हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। पहले तो रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो अगर आपने मिस कॉल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो इस स्टेप का कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस मैसेज पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कौन से नंबर में किस फॉर्मेट में मैसेज भेजना है ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है। हाँ, इसके लिए आपका मोबाइल ऑपरेटर का जो स्कीम है उसकी रिलेटेड कुछ पैसे कट सकते हैं, 3 रुपये तक कट सकते हैं। लेकिन अगर आप जियो सिम यूज़ कर रहे हैं तो ये भी फ्री में हो जाता है। तो अगर पहले जो रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद देखिए ये सारी फैसिलिटी हम ले सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट, 6 मंथ ई स्टेटमेंट और एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट, ये सब वगैरह। तो इसमें देखिए बैलेंस इंक्वायरी में और मिनी स्टेटमेंट का कॉल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यानी कि जब हम इस कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इस नंबर पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और वो कॉल भी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद हमको अपना जो मैसेज है, अपना बैलेंस का या फिर मिनी स्टेटमेंट का मैसेज है, वो आ जाता है। और बाकी जो फैसिलिटीज है उसमें देखिए मैसेज लिखा हुआ है। तो जब हम इस मैसेज को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि चेकबुक रिक्वेस्ट है, तो इस मैसेज को जब हम सिलेक्ट करेंगे, इसके राइट हैंड साइड में जो मैसेज का ऑप्शन है, तो चेकबुक के लिए ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो जाता है। और 6 मंथ ई स्टेटमेंट का जो फैसिलिटी है, इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे मैसेज को, तो हमारा जो ईमेल आईडी है उसमें 6 मंथ का ई स्टेटमेंट चला जाता है। तो ये अकाउंट सर्विसेस हो गए। उसके बाद ATM कम डेबिट कार्ड जो ऑप्शन है, ये देखिए ATM कम डेबिट कार्ड ऑप्शन को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या क्या हमको मिलेगा थोड़ा देख लेते हैं। इसमें देखिए 3 ऑप्शन है, ATM कार्ड ब्लॉकिंग, ATM कार्ड स्विच ऑन ऑफ और जनरेट ग्रीन पिन। तो ATM कार्ड ब्लॉकिंग क्या है? ATM कार्ड ब्लॉकिंग देखिए, ATM कार्ड ब्लॉकिंग ये है कि हमारा ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड अगर चोरी हो गया या खो गया हमसे कहीं पे, तो हम इसको इसी ऐप के जरिए ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे हमको खाली लास्ट 4 डिजिट कार्ड का देना है और कंटिन्यू में जाएंगे तो हमारा कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और यह है ATM कार्ड स्विच ऑन ऑफ। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि हम अपने ATM कार्ड को, जैसे कि ATM होता है, POS होता है, e-commerce होता है, उसके लिए ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मैं अपना जो डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है, उसको खाली ATM से कैश विड्रॉल के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो बाकी दोनों जो ऑप्शन है POS का, e-commerce का, उसको मैं बंद कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि किसी तरह के फ्रॉड का मैं शिकार ना हूँ। तो ये तो बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। देखिए, और जनरेट ग्रीन पिन वाला जो ऑप्शन था, उसमें हम अगर अपने डेबिट कार्ड का पिन भूल जाएं तो उसको हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए ये एक 5 MB का ऐप में कितना सारा हमको फैसिलिटी दिया हुआ है। और इस ऐप की और एक खास बात है कि इसके लिए हमें कोई यूजर नेम पासवर्ड वगैरह नहीं लगता, एक बार खाली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और इसके लिए इंटरनेट का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना नेट के ये चलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
मोबाइल बैंकिंग SBI का प्लेलिस्ट ऐसे ही आगे चलता रहेगा। इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।